ये एक्सपोर्ट परमिट बनते हैं यूपी के, कहते हैं कि मैडम हम क्या करें, हमने बच्चे पालने हैं, नौकरी करनी है, खट्टर के लेटर ऑर्डर है कि यूपी में गाय भेजनी है, और यदि हम नहीं कुछ करते तो ये यूपी के ये जो एमएलए है ना बीजेपी के, यही हमारे सिर पे आके खड़े हो जाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, फिर मैंने नेट से ना एसएचओ सारे जो भी है यूपी के उनके नंबर डाउनलोड किए, मैंने उनको फोन किया, मैंने झूठ बोला, मैंने कहा मैं एक्सपोर्ट परमिट ऑफिस से बोल रही हूँ, यहाँ से गाय लेके जाते हैं हरियाणा से, बस इतनी बात कही थी मैंने। वहाँ के एसएचओ की रिकॉर्डिंग है मेरे पास गंगोह के भी, और उन्होंने कहा मैडम जी एक्सपोर्ट परमिट बंद बनाया करो, हरियाणा से जितनी भी गाय आ रही है सभी सारी की सारी स्लॉटर हाउस में जा रही है, उसने मुझे ये बात कही। और ये कहता है कि सफेद गाय है ना, ये बीजेपी इतना पागल बनाती है लोगों को, इधर सफेद काली गाय में भी डिफरेंस कर दिया, ये कहते हैं कि ये काली सफेद गाय है, ये तो हिंदू की है, और ये काली गाय है इसको मुसलमान काट ले तो काट ले, ये कल को ये भी कह सकते हैं लंबी पूछ वाला सूर है ये तो हिंदू का, छोटी पूछ वाला ये मुसलमान का, इनका कोई भरोसा नहीं है, इन बीजेपी वालों का कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने जो सफेद गाय की जनसंख्या बढ़ाने की बात की ना, ये सफेद गाय है ना ये जल्दी मतलब इसको कहते हैं बूढ़ी हो जाती है, और इसका ना सफेद गाय का चमड़ा बहुत महंगा बिकता है विदेशों में, जो स्लॉटर हाउस और वो जो विदेशों वाले है ना वो इसकी डिमांड करते हैं कि सफेद ये गाय है इसकी जनसंख्या बढ़ाओ, इसलिए सफेद गाय काली गाय का इन्होंने चक्कर पाया, गाय तो गाय है, यदि सफेद गाय की जनसंख्या कहता गाय की सफेद समर्थन करो गाय की जनसंख्या का, यदि हरियाणा में गाय सफेद कम है तो ये अखिलेश यादव कहता है कि सफेद साहिवाल गाय लेके आओ, फिर साहिवाल गाय लेके आओ, साहिवाल इसी को भी साहिवाल ही चाहिए क्योंकि बुचड़ खाने वालों को भी यही चाहिए। फिर मैंने इसको फोन किया एक्सपोर्ट परमिट ऑफिसर को, मैं पिंकी बोल रही हूँ, मैं तो सहारनपुर से, गाय लेनी है जी साहिवाल लेनी है सफेद, कहते ले लो मैडम जी परमिट, मैं क्या क्या चाहिए, कहते कुछ नहीं चाहिए बस फीस चाहिए थोड़ी सी, उसकी ना मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, कहता कुछ नहीं चाहिए फीस चाहिए, मैंने कहा यदि मैंने आप एक मिनट के लिए बताओ यदि मैंने यूपी जाके वो गाय कटवा दी उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, कहता कटा लेना मैडम जी कौन कुछ है, ये बोला ये है इसका, और ये एक मिनट ये रहा कल्याण का आर्टिकल, भारतीय गोवंश तथा अन्य पशुओं का मांस दुबई में महंगे दामों पे बिकता है, ये ना मांस की भी क्वालिटी है, खाने वाले पहचानते हैं जैसे हम सब्जियां पहचानते हैं ना टेस्ट, वो कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट गाय का है ना मीट बीफ उसको कहते हैं ये मीठा बीफ है वो ज्यादा महंगा बिकता है, और जो ये व्हाइट गाय है ना जिसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहते हैं ये उससे भी सबसे महंगा बिकता है, और इसका लेदर व्हाइट होता है, इसकी लेदर में क्वालिटी इसको बुचड़ खाने वालों को चाहिए, ये सारा इसलिए खट्टर सरकार ने किया, ये फिर इन्होंने हाईकोर्ट में मैंने केस डाला था इस पे खट्टर पे, ये इन्होंने वहां पे परमिट दिया, ये हरियाणा सरकार की स्टैंप लगी हुई है ठीक है, ये परमिट कानून है परफॉर्मा परमिट का ये नहीं है, लेकिन इन्होंने खट्टर सरकार है ना इन्होंने बस एक मिनट खट्टर सरकार है ना इसलिए इन्होंने ये परमिट बना दिया, कानूनन कहते हैं कि यदि यूपी में तो जा ही नहीं सकती कोई भी गाय ना दूध वाली ना बूढ़ी, लेकिन ये बूढ़ी गाय तो कहीं भी नहीं जा सकती यूपी में, तो कोई भी नहीं जा सकती लेकिन बूढ़ी गाय कहीं भी नहीं जा सकती, इनके परमिट में ड्राई का होगा भी ऑप्शन है, और ये परमिट वैलिड फॉर 7 डेज, यूज कर लो एक बार में तीन एक दिन में 3 बार यूज कर लो, 7 दिन में कई बार यूज कर लो, 100-100 गाय ले जाओ यहाँ से, और दूध वाली तो कौन दे रहा है, ये खट्टर सरकार है एक मिनट, और ये यूपी में कहते हैं कानून कहता है कि जहां जिस स्टेट में एप्रीहेंशन है ना गाय कट जाएगी उस स्टेट में गाय नहीं जाएगी, ये यूपी एडीजीपी साहब कहते हैं कि यूपी में गाय कटती है, एसपी साहब कहते हैं यूपी में गाय कटती है, ये भारतीय अरोड़ा जी जो गौ सेवा आयोग की हेड बनी हुई है भारतीय अरोड़ा एडीजीपी है शायद, ये कहती है यूपी में गाय कटती है, ये पुलिस सारी कहती है यूपी में गाय कटती है, ये एडीजीपी साहब कहते हैं पुलिस यूपी में गाय कटती है, और सबको पता है एप्रीहेंशन तो है ही, सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउसेज वहां पे हैं, 20 लीटर सारे वहां पे हैं, और सेकंड नंबर पे भारत में सबसे ज्यादा कतलखाने यूपी में, एप्रीहेंशन से तो बहुत बड़ी बात होगी, और ये जाके कहता है ये खट्टर ये बैठा सूर का बच्चा ये बकरीद के मौके ये कहता है बकरीद के मौके पर बलि ना दे, ये मेवात में कह रहा है फिरोजपुर चिरखा मेवात में, यानी इसको हरियाणा में तो मेवात की साइड में एप्रीहेंशन है गाय कट जाएगी, लेकिन यूपी में इसको कोई एप्रीहेंशन नहीं है गाय कटने का, और ये रहा यूपी का एक्ट, कहते हमने 2000 में एक ऑर्डर पास किया था कि यहाँ पे ऑर्डर तो ऑर्डर है कानून तो नहीं है ना, और ये बैलों को काटने के लिए जो भी लिख रखा है अभी बैलों को हम काट देते हैं, तो बैल हमारी गाय की डेफिनेशन में ही आते हैं, कानूनन वहां पे गाय नहीं जा सकती यहाँ से, और ये मैंने हाईकोर्ट में केस डाला था, वहां के जज इतने धल्ले हैं वो उनको भी देखूंगी कभी मिला दो, ये इसके बाद मेरे केस की सुनवाई बन गई रुक गई, इसने जज ने कहा गाय की पूछ पकड़ के गंगा पार कर ली बीजेपी वालों ने,
अब गाय को तो बचा लो, और लेकिन ये इसलिए खुद नौकरी ले गया रिटायरमेंट के बाद। अच्छा। मेरे केस की डेटा डालता रहा और आप खुद पूछ पकड़ ली इसने गाय की, अपनी गंगा इसने भी पार कर ली।